इस वीडियो में हम चित्रकूट के उस जंगल से गुजरेंगे जिससे कभी प्रभु श्री राम, अनुज लक्ष्मण और भार्या जानकी के साथ गुजरे थे, जहां पर उन्होंने एक ऐसे महर्षि को दर्शन दिए थे जिनकी साधना के समक्ष साक्षात देवराज इंद्र भी नतमस्तक थे। ऐसी यज्ञ वेदियों को प्रणाम करेंगे जिनमें पहली आहुति ब्रह्मा ने दी थी। उस अस्थि समूह पर्वत पर चढ़ेंगे जहां हमारे ठाकुर जी ने धरती को निश्चरहीन करने का संकल्प लिया था। उस महान शिष्य की आश्रम स्थली की रज अपने माथे पर लगाएंगे जिसने अपने गुरु को राघव जी के दर्शन कराए थे। बिरसिंहपुर में भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करेंगे और उनके चमत्कारों का चरणामृत लेंगे। प्रभु श्री राम के चरण चिन्ह, प्राकृतिक जल कुंड, ग्रामीणों की भाव भक्ति, पंगत की अद्भुत रंगत, मंदिरों में बसी सनातन आस्था और होली के रंग, परिक्रमा के इस अनोखे अनुष्ठान में ये सब कुछ भी होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तेरहवें दिन की परिक्रमा सबसे खास होने वाली थी। एक दिन पहले ही परिक्रमा वासियों को बता दिया गया था कि ये चित्रकूट 84 कोस परिक्रमा का सबसे दुष्कर मार्ग है। लगभग वैसा ही जैसे नर्मदा परिक्रमा में शूलपाणी का क्षेत्र। सभी परिक्रमा वासी झुंड में साथ साथ चलेंगे जिससे जंगली जानवर किसी भी प्रकार की हानि न पहुंचाएं। विगत वर्ष सरभंगा के इसी जंगल में भालू ने एक परिक्रमावासी पर हमला कर दिया था। ठाकुर जी की कृपा थी कि किसी लकड़हारे ने आवाज सुन ली और जाकर जान बचाई। जंगल के खतरे अपनी जगह हैं, लेकिन जंगल का आनंद भी अपनी जगह अनूठा है। टिकरिया माता मंदिर से चले तो जंगल प्रारंभ हो गया। पहले पथरीली भूमि पर छोटी छोटी झाड़ियों वाले पेड़ मिले, फिर बड़े पेड़ वाले घने वन। लगभग 14-15 किलोमीटर का जंगल। राम नाम का संकीर्तन होते रहने से केवल राम नाम ही सुनाई दे रहा था। जंगल की आवाज नदारद थी। आज की परिक्रमा बढ़ रही है सरभंग आश्रम की ओर। घने वनों के बीच से, झाड़ियों के बीच से, पथरीले और कटीले मार्ग के बीच से होकर ये यात्रा आगे बढ़ रही है। श्री राम का, सीता माता का, सीताराम का उद्घोष निरंतर चल रहा है। उसका कीर्तन, नाम कीर्तन निरंतर चल रहा है और परिक्रमावासी ध्वज के साथ, ध्वज के पीछे पीछे आगे बढ़ रहे हैं। सूर्य भगवान पहाड़ियों को पार कर ऊपर आ गए हैं, जैसे स्वयं इस परिक्रमा के दर्शन करना चाहते हैं या इस परिक्रमा को दर्शन देना चाहते हैं। वैसे ये प्रबल इच्छा थी कि वन के अनचिन्हे अनजाने पक्षियों की आवाज कानों में रस घोल दे, लेकिन फिलहाल सीताराम नाम का कोरस ही सबसे बड़ा रस था। जैसे समूचा कानन इसी नाम को सुनने के लिए कान लगाए बैठा था। ग्रामीणों की तरह परिक्रमा मार्ग के वन भी इस भाव और भक्ति की प्रतीक्षा करते हैं। जंगल पार करते हुए कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि हम झाड़ झंखाड़ के बीच से निकल रहे हैं। पूरे जंगल में एक गली है, इसका मतलब यहां से चरवाहों, ग्रामीणों, लकड़हारों और वन कर्मियों का आना जाना है। कल दी गई सलाह सभी को स्मरण थी, इसलिए सभी समूह में ही चल रहे थे। वन क्षेत्र में ही तीन छोटी छोटी नदियां मिलीं, वन से आती हुई और वन को ही जाती हुई।
तीन अलग अलग नदियां हैं या एक ही नदी घूम फिरकर बार बार मिल रही थी, कह पाना मुश्किल है। नदी तीन हो या एक, उसका जल निर्मल है। परकम्मा वासियों को नहलाया, उनकी प्यास बुझाई और थकान को विश्राम दिया। अन्यत्र कहीं जंगल भले सूखा और कुम्हलाया हुआ दिखे, नदी के आसपास बिल्कुल तरोताजा दिखाई देता है। नदी के घाट पर उसका ठाट देखते ही बनता है। जंगल की नदी भी किसी योगिनी की तरह होती है, न उसके पास घाट होता और न पनघट। उसके यहां न तो पनिहारिनों की पायल की छमछम सुनाई देती और न ही प्रेमी प्रेमिकाओं का एकांतिक वार्तालाप। वो सुनती है तो किसी जंगली जानवर की दहाड़, पानी पीते हुए उसकी जीभ से निकलती डब डब, या फिर कभी कभार किसी राही का भय मिश्रित स्वर। मध्य प्रदेश के सतना जिले के मझगवां रेंज के इस जंगल में अर्जुन, हर, बहेरा, खैर, शाल आदि के वृक्ष हैं, नए पुराने दोनों तरह के। वटवृक्ष भी बहुतायत में हैं। उनकी जटाएं बताती हैं कि कई कई वर्षों से वे यहां आसन लगाए बैठे हैं। जंगल है तो बांस तो होंगे ही, क्योंकि बिना बांसों के जंगल का श्रृंगार नहीं होता। अधिकांश परिक्रमावासियों ने यहां से दंड काट कर लिया। रास्ते में बेल के पेड़ भी हैं, जिनकी सूखी डालें नीचे गिरी रहती हैं और कांटे ध्यान से पांव आगे बढ़ाने की चेतावनी देते रहते हैं। इस जंगल में बाघ और भालू भी बड़ी संख्या में हैं। जैसे जैसे सरभंग आश्रम के समीप आते गए, आम के पुराने वृक्ष भी मिलने लगे, फागुन में पूरी तरह बौराए हुए। वन के आंगन में गेहूं की लहलहाती फसल बता रही थी कि मनुष्य की आबादी आसपास ही है। जंगल पार किया तो घोड़ामुखी माता का मंदिर आया। मंदिर बहुत प्राचीन है, सामने तालाब है, उसमें जितना जल है उतनी ही जलकुंभियां हैं। ऐसा लगता है कि इस तालाब का जल इन कुंभियों से एक युद्ध कर रहा है। खैर, पहली बार किसी देवी का नाम घोड़ामुखी सुना था। कौतूहल के साथ मंदिर के अंदर प्रवेश किया तो पुजारी जी ने इस रहस्य से पर्दा उठाया। आदिशक्ति जगदम्बा महामाया श्री लक्ष्मी जी हैं, अक्ष रूप में अवतरित हैं, प्रकट हैं। इनकी वहाँ गुफा है, देख लेना, वहाँ से घुसी हैं, यहाँ प्रकट हो गई है ना, त्रेता में प्रकट भई हैं। जब भगवान राम सर मंगा आए, संभव सुल्तानों को वध किए हैं, तभी माता साथ में आई, अपनी शक्ति प्रदान किया। त्रेताकालीन ये मूर्ति समीप स्थित गुफा से प्रकट होकर मंदिर में निकली थी। यहीं पास स्थित एक और गुफा के बारे में ग्रामीणों ने बताया कि ये सीधे मैहर के लिए निकल जाती है। सत्यता की जांच तो नहीं की जा सकती, लेकिन गुफा है काफी गहरी। देवी देवताओं की तरह ही संतों के नाम भी प्रश्नों की पोटली लिए घूमते हैं। अब जैसे ये मीटर बाबा हैं, ये दंडवत भी मीटर में करते हैं, 3 मीटर दंडवत। नारायण, हाँ, नाभि का नीच में शिवलिंग, हाँ, चरण में गंगा उत्पत्ति हो गया, 3 मीटर। हाँ, राधे राधे। आगे बढ़ते हुए पंजाब के इन महात्मा से भी मिलते चले। दामोदर कुंड, मुक्ति नारायण, 4-4, 5-5 बार उत्तराखंड, मानसरोवर, कैलाश, हाँ, सारे दर्शन किए। परशुराम कुंड पड़ता है अरुणाचल में, वहाँ 4-5 बार गए। यही हमारा रहता था, लेकिन हिम्मत नहीं नाले। स्थान प्रधान क्या होता है, महाराज जी गृहस्थी की तरह जंजाल होता है। गैया बछिया मंदिर में पुजारी चाहिए, गाय का सेवा करने वाला चाहिए, फिर जाओ तो मोह ममता पकड़ लेती है, ये नुकसान हो जाएगा, ये नुकसान हो जाएगा, है ना। लास्ट में मन मार के सारे मोह ममता को त्याग करके फिर निकलना पड़ता है। कैसा अनुभव रहा चित्रकूट परिक्रमा का आपका? चित्रकूट परिक्रमा ये तपोभूमि है महाराज। इस परिक्रमा का सबसे बड़ा उपलब्ध ये है कि जो भी परिक्रमा करने वाले दर्शनार्थी है, साधु महात्मा हैं, उनको चाहिए कि परिक्रमा में दाहिने साइड कभी भी कोई गंदगी ना करे, बाएं साइड करे, और श्वास श्वास पे भगवान का नाम जपते हुए चले।
फालतू निंदा चुगली इधर उधर की बातें ना सुने ना करे तो ही इसका वास्तविक महत्व समझ में आएगा। आपको क्या दिव्य अनुभूति हुई महाराज जी? हमको तो दिव्य अनुभूति ये होता है जैसे कि आज भी इस जंगलों में हनुमान जी और भगवान का दिव्य रूप जो है भ्रमण किसी किसी न रूप में करता रहता है। बतियाते बतियाते आ गया आज का पड़ाव सरभंगा आश्रम, सरभंग ऋषि की तपस्थली, प्रकृति के बीच आस्था की एक अनुपम कृति। महर्षि सरभंग ने त्रेता युग में इसी स्थान पर कठिन तप किया और यहीं प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा की। उनकी साधना कितने ऊंचे दर्जे की थी इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि सरभंग ऋषि जी अपनी आयु पूरी कर चुके थे लेकिन भगवान के दर्शन नहीं हुए थे और उनके मन में यह था कि हम जब तक दर्शन नहीं करेंगे तब तक ब्रह्मलोक नहीं जाएंगे। आयु पूरी हो गई, वो ब्रह्मलोक नहीं गए, भगवान के इंतजार में बैठे रहे। तब ब्रह्मा जी ने सोचा कि सरभंग ऋषि जी की आयु पूरी हो गई है और बैठे हुए हैं तो जाइए इनको विमान ले जा करके ब्रह्मलोक लाइए। तो ये काम राजा इंद्र को सौंपा गया। इंद्र जी वहाँ से विमान लेके चले और सरभंग ऋषि से निवेदन किए। सरभंग ऋषि ने दिव्य दृष्टि से देख कर कहा कि मेरे आराध्य मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं, मैं उनसे मिले बिना ये शरीर नहीं छोड़ सकता। इंद्र विमान सहित अपने धाम लौट गए। प्रभु श्री राम ऋषि सरभंग के आश्रम पहुंचे तो उन्होंने कहा, चितवत पंथ रहो दिन राती, अब प्रभु देख जुड़ानी छाती। भगवान से निवेदन किया। भगवान ने कहा कि आपकी कोई अभिलाषा है तो आप प्रकट करिए। तो उन्होंने कहा कि सो कछु देव न मोहि निहोरा, निज पन राख्यो जन मन चोरा। आप हमारे हृदय को आप अपने हृदय में रख लीजिए, यही मेरी काम अभिलाषा है। भगवान ने कहा यो मस्त वैसा। तो कहा तबलग ही रहो दीन हित लागी, जब लग मिलूं तुम्हें तन त्यागी। जब तक हम आपसे ये शरीर को छोड़ के आपकी आत्मा से नहीं मिल जाते तब तक आप कहीं जाएंगे नहीं। भगवान ने कहा यो मस्त। उन्होंने ठाकुर जी के दर्शन किए, उनका सत्कार किया और अपनी समस्त पुण्याई उनके चरणों में समर्पित की। इसके बाद उन्हीं के समक्ष देह त्याग कर प्रभु के लोक की यात्रा की। जोग यज्ञ जप तप व्रत कीन्हा, प्रभु कह दे भगति बर लीन्हा, एही विधि सर रच मुनि सरभंगा, बैठे हृदय छाड़ सब संगा। अस कही जोग अगिन तनु जारा, राम कृपा बैकुंठ सिधारा। त्रेता युग में जहां सरभंग ऋषि का आश्रम हुआ करता था आज वहीं पर राम जानकी और लक्ष्मण जी का दिव्य मंदिर है। प्रभु के विग्रह के ठीक पीछे सरभंग मुनि की बहुत सुंदर मूर्ति है। कहते हैं कि ये मूर्ति बहुत समय पहले खुदाई से निकली थी। यहां प्रारंभ में केवल सरभंग ऋषि की ही मूर्ति थी, बाद में श्री राम जी विराजे। मंदिर के ठीक सामने से एक छोटी नदी बहती है जिसे सरभंग ऋषि के नाम से ही जाना जाता है। आसपास के लोग इसे अत्यंत पवित्र मानते हैं और बार बार गंगा एक बार सरभंगा कहकर आदर देते हैं। सरभंग गंगा मंदिर के पीछे से लगभग 1 किलोमीटर दूर ब्रह्मकुंड से प्रकट होती है, पहाड़ी के ऊपर से। लेकिन आज इसका उद्गम स्थल बहुत दयनीय है। ब्रह्मकुंड काफी गंदा है, लोग उसमें अस्थियां विसर्जित करते हैं। जल है नहीं, इसलिए अस्थियों के साथ तमाम गंदगी वहीं पड़ी रहती है। इस दास का आपसे आग्रह है कि जैसे नदियां हमारा जीवन और हमारी संस्कृति बचाती हैं, हम भी उन्हें बचाने की दिशा में थोड़ा प्रयत्न करें। कम से कम उन्हें कचरा पेटी न बनाएं। हम अपनी गंदगी से उनका सर्वनाश नहीं करें। कूक से बाहर निकलते ही उनकी हत्या न करें। आज हम उन्हें बचाएंगे तभी वे हमारी पीढ़ियां बचाएंगी।
समय मिले तो इस चिंता पर चिंतन कीजिएगा। हां, मंदिर के ठीक सामने जो कुंड है वो बहुत निर्मल है, उसका जल पीने के काम में आता है। मंदिर के समीप से और इसी नदी के किनारे किनारे एक रास्ता ऊपर पहाड़ी को जाता है। यही कोई 800-900 मीटर चलने पर 108 यज्ञ वेदियां हैं, त्रेता युगीन यज्ञ वेदियां। कहते हैं कि यहां सबसे पहले ब्रह्मा ने यज्ञ किया था। इन कुंडों में पहली आहुति ब्रह्मा ने दी थी। इसके बाद जब सर्वभंग ऋषि यहां रहे तब उन्होंने भी इन कुंडों में समिधा समर्पित की। आज यज्ञ वेदी का रंग रोगन कर दिया गया है, लेकिन नीचे मौजूद पत्थर देखने पर इसकी प्राचीनता का भान होता है। 84 कोस की परिक्रमा जब यहां पहुंची तब इन यज्ञ वेदियों को देखने के लिए संत आए और उन्होंने यहां पर सर्वभंग मुनि को, भगवान श्री राम को और त्रिदेवों में से एक ब्रह्मा को प्रणाम किया, उनसे निवेदन किया अपनी परिक्रमा की पूर्णाहुति के लिए, अपनी तपस्या, अपनी साधना की सफलता के लिए। यहां खुदाई में निकली कुछ मूर्तियों के भग्नावशेष भी हैं। अनुमान है कि कभी यहां किला या कोई विशाल मंदिर रहा होगा, उसी के अवशेष हैं। समय के गर्त में पुरानी सभ्यताएं कैसे गुम हो जाती हैं, उसकी कहानी वट वृक्ष के शिकंजे में फंसा ये मंदिर कहता है। सर्वभंग आश्रम के आसपास कई स्थल देखने लायक हैं। मंदिर से कुछ ही दूरी पर सूर्य कुंड है, छोटा है लेकिन जल पावन है। यहीं हनुमान जी विराजे हैं। फक्कड़ बाबा का आश्रम यहां एक और आकर्षण है। जूना अखाड़े का ये आश्रम भी मनोरम है। हनुमान जी का मंदिर है और फक्कड़ बाबा की समाधि। एक छोटी सी नदी इसके पिछवाड़े से निकली है। बंदर पूरे चित्रकूट क्षेत्र में है, इसलिए यहाँ भी खूब हैं। ये जूना अखाड़े का आश्रम है जी। यहाँ पर फक्कड़ बाबा तपस्या किए थे आज 70 साल पहले। अच्छा, तपस्या किए, उनका 1950 में शरीर पूरा हो गया जी। फिर इसके बाद आए भोलानंद जी, वो कुछ दिन रहे। फिर रमतानंद आए, वो भी चले गए। फिर हम आए, करीब 24 साल हो गया जी रहते हुए। अपने ही अपना समय काट रहे हैं, जो होता टूटा फूटा भजन करते हैं, साधु संत सेवा करते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं। यहाँ वृंदावन के ख्यात संत कृपाल जी महाराज की साधना स्थली भी है। प्रारंभिक दिनों में वे यहाँ साधना के लिए थे। जिस गुफा में वे रहा करते थे उसमें आज भी संत रहते हैं। आपके वृंदावन में जो मंदिर बना है ना, प्रेमदास कृपाल महाराज जी ने बनवाया, हाँ, प्रेम मंदिर, हाँ, वो यहाँ 6-7 महीने तपस्या किए। सुबह सर्वभंग गंगा में स्नान किया और परिक्रमा के लिए आगे बढ़े। सर्वभंग आश्रम से निकले तो धुंधलका था। थोड़ी देर में सूर्य भगवान ने अगवानी की। सर्वभंगा के जंगलों और पहाड़ ने विदाई दी। सड़क खेत की गलियों और मेड़ों से होकर चलते रहे। कई जगह किसानों ने अपने खेतों में बाड़ लगाई हुई थी, इसलिए चलने में समय लगा। बाड़ के बीच सकरे रास्ते से एक एक दो दो जन निकलते रहे। अस्थि समूह पहाड़ आया, लाल मुरम का पहाड़। कहते हैं कि त्रेता युग में जब भगवान राम यहां आए तब ये हड्डियों का ढेर था। राम जी ने संतों से पूछा कि ये क्या है। जब उन्हें बताया गया कि राक्षसों ने साधु संतों का भक्षण करके यहां हड्डियों का ढेर लगा दिया है, तब श्री राम ने दोनों भुजाएं उठाकर धरती को राक्षसहीन करने का संकल्प लिया। बाबा तुलसी ने लिखा, निशिचरहीन करऊं मही भुज उठाई पनकीन, सकल मुनिन के आश्रम ही जाय जाय सुख दीन। पहाड़ी के ऊपर संकल्प की मुद्रा में श्री राम जी की मूर्ति है। लाल पहाड़ के ऊपर ये इकलौती विशाल मूर्ति बहुत मनोहारी है। जो पहाड़ी कभी हड्डियों का ढेर थी, आज प्रभु श्री राम को प्रणाम करने का पवित्र स्थल है। ऊपर से देखने पर सर्वभंग की पहाड़ी के साथ आसपास के गांवों का दृश्य दिखाई देता है।
इसका सौंदर्यीकरण कर दिया गया है। पहाड़ी के ऊपर तक जाने के लिए 171 सीढ़ियां बनाई गई हैं। सीढ़ियां नई नवेली हैं, इसलिए देखने में सुंदर लगती हैं। चढ़ाई के प्रारंभ में राम, जानकी, सीता जी का विग्रह है। एक अलग विग्रह हनुमान जी का भी है। वहां से आगे बढ़े तो सुतीक्ष्ण आश्रम आए। आश्रम में मंदिर है जिसमें तीनों भाइयों के साथ राम जी, जानकी जी और हनुमान जी का बहुत प्राचीन विग्रह है। कहते हैं कि भगवान श्री राम इसी स्थान पर महर्षि सुतीक्ष्ण से मिले थे। महर्षि सुतीक्ष्ण ने अपने गुरु अगस्त्य को दर्शन देने के लिए प्रभु से निवेदन किया था। यहां से आगे बढ़ने पर प्रभु ने मार्गदर्शक के रूप में सुतीक्ष्ण जी को अपने साथ ले लिया था। आगे जाकर सुतीक्ष्ण ने ही अपने गुरु अगस्त्य से ठाकुर जी को मिलाया था। तुरत सुतीक्ष्ण गुरु पही गयऊं, करी दंडवत कहतवस भयऊं, नाथ कोसला धीस कुमारा, आए मिलन जगत आधारा, राम अनुज समेत वै देही, निसि दिन देव जपत हूं जेही, सुनत अगस्त्य तुरत उठि धाए, हरि बिलोक लोचन जल छाए, मुनि पद कमल परत द्वौ भाई, ऋषि अति प्रीत लिए उर लाई। आज का आखिरी दर्शन बिरसिंहपुर में भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती का था। शिव शंभो कर त्रिशूल भंग करत पाप मूल, विराजित है चंद्रभान अद्भुत लोचन विशाल, हे दयाल हे कृपाल अगहारी भवतारी, भंडारी त्रिपुरारी कामारी विषधारी भयहारी। यहाँ महादेव को गैबीनाथ के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि गैबी नामक अहीर के घर में भोलेनाथ का ये विग्रह दबा था। वहां से निकालकर इन्हें यहाँ स्थापित किया गया, इसीलिए ये गैबीनाथ कहलाए। माना जाता है कि मुगल काल में इन्हें तोड़ने का प्रयत्न भी किया गया, लेकिन भोलेनाथ के गणों की वजह से आतताइयों को भागना पड़ा। औरंगजेब बादशाह ने ये पांच टांकियां लगवाया था, एक से दूध, गंगा जल, सांप, बिच्छू, फिर लास्ट में भावड़ निकली है। उसने काटना चालू किया जब उसकी सेना यहाँ से भागी है चित्रकूट। फिर चित्रकूट में एक मंदिर का निर्माण, कहते हैं कि चित्रकूट में मंदिर का निर्माण करवाया है। फिर उसका पतन हो गया जब से, ये लास्ट टांकी है। यहाँ के जो राजा थे वीरवर्ण सिंह, हमेशा पूर्णमासी को उज्जैन जाया करते थे दर्शन करने। जब वृद्ध हो गए तो उनको स्वप्न आया कि मैं आपके क्षेत्र में आ रहा हूँ। तो गैबीनाथ उसका कैसा पड़ा, भगवान भोलेनाथ का कैसा पड़ा, गैबीनाथ का आहिर था, उसके घर में चूल्हे से निकले थे, उसके लिए औरत दबा देती थी ठीक, अरे किसी से भी। तो उसको फिर स्वप्न मिला राजा को, मैं आपके क्षेत्र में तो आ चुका हूँ मगर गैबीनाथ के घर में हूँ, वो फिर दबा देती है। तो उसने बोला कि आपको क्या चाहिए, मैं जो आपको चाहना हो ले लीजिए और ये घर को छोड़ दीजिए। तो वो बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा नाम गैबीनाथ के नाम से होना चाहिए। तब इनका नाम गैबीनाथ पड़ा। भोलेनाथ के मंदिर के ठीक सामने माँ पार्वती का मंदिर है, बीच में तालाब है। संभव है कि प्राचीन तालाब की मेड़ पर ये दोनों मंदिर बनाए गए हों। शिव और शक्ति के गठजोड़ को भी यहाँ देखा जा सकता है। मनोकामना पूरी होने के बाद लोग माई और बाबा का गठबंधन कराते हैं। सौम्य रूप
दोपहर में बहुरियन तालाब पहुंचे। तालाब के बीच में जल था, शेष तालाब सूखा हुआ था। तालाब की मेड़ पर आमने सामने दो मंदिर हैं। मुरली मनोहर मंदिर काफी प्राचीन है। मंदिर बहुत सुंदर बनाया गया है। इसे किसी भी दिशा से देखा जाए तो ऐसा लगता है कि सामने का ही दृश्य है। मंदिर के अंदर बांसुरी बजाते श्री कृष्ण की बहुत सुंदर मूर्ति है। इसी मंदिर में भगवान भोलेनाथ भी विराजे हुए हैं। सामने वाले मंदिर में श्री राम दरबार है। अपने वीर बजरंग बली तो हैं ही। आज का पड़ाव यहीं था। रात यज्ञशाला में विश्राम किया। 15वां दिन भगवान के विग्रहों का नहीं बल्कि ग्रामवासियों की सेवा के दर्शन का था। 15 किलोमीटर की परिक्रमा में जगह जगह अभिनंदन और बाल भोग था। लोग इस तरह आव भगत में लगे थे जैसे हम उन्हीं के परिजन हों। बिरसिंहपुर जहां से परिक्रमा प्रारंभ हुई वहीं पर दही बड़ा फल आदि का पर्याप्त प्रबंध था। फिर आगे बढ़े तो बैठा कर पूरा भोजन ही करा दिया। फल और लस्सी की सेवा तो कई जगह थी। इस तरह 15 किलोमीटर में 8-9 जगह रोक कर प्रसाद पाने का आग्रह किया गया। ये भक्ति और प्रेम भाव केवल और केवल हमारे देश में ही संभव है। जैतवारा से थोड़ा आगे अमीलपुर में एक बगीचे में पड़ाव पड़ा। एक और रात के आनंद के लिए ठाकुर जी की कृपा मिली। ओम गताया विभ्रमणा वंदमान सदा सासी यजमानो वविर्भिहि अहिदमानो वरुणे अवोद्धरो जगो समानकायो प्रभोगिहि। सबरे नारायण के अमार कंटक धाम के अमार कंटक पर्वत के कूर्म नारायण के कूर्मो धारा के पन्ना नरसिंह के श्री पन्ना नरसिंह के आज बरा स्वामी के श्री आज बरा स्वामी के। रोज की तरह सुबह 6 बजे अमीलपुर के बगीचे से आगे बढ़े। पहला दर्शनीय स्थान डांडी बाबा आश्रम मिला। गांव वालों ने आत्मीय अभिनंदन किया। यहां शिवजी का प्राचीन मंदिर है। परिसर में हनुमान जी मां दुर्गा सहित कई देवी देवताओं के मंदिर हैं। केवल 7 किलोमीटर ही चलना था। 9 बजे कोठी पहुंच गए। वृंदावन आश्रम में आसन लगाया। आश्रम बड़ा है लेकिन परिसर में व्यवस्था की कमी है। मंदिर के अंदर राम जानकी का आकर्षक विग्रह है। समीप से नाले नुमा एक नदी बहती है जिसमें कई परिक्रमा वासियों ने स्नान किया और कपड़े धुले। पुराने परकम्मा वासियों ने बताया कि यहां से कुछ दूरी पर श्री राम जी के चरण चिन्ह हैं। फिर क्या था, तलाश में निकल पड़े। कोठी कस्बे से यही कोई 1.5-2 किलोमीटर आ गए खेतों और नाले को पार करते हुए। अंततः एक नाले के किनारे ही मंजिल मिली। एक किसान ने बताया कि यहीं पर भगवान के चरण चिन्ह हैं। नाले के किनारे पांवों के निशान जैसा कुछ है जिसे आस्था और भक्ति की आंखें राम जी के चरण चिन्ह के रूप में देखती हैं। चित्रकूट 84 कोस परिक्रमा में इस समय संतगण हैं कोठी में। कोठी यूं तो सतना जिले का एक कस्बा है लेकिन कोठी वो स्थान है जहां से होकर प्रभु श्री राम आगे बढ़े। उन्होंने इस रज को पवित्र किया, साथ ही यहां की चट्टानों पर अपनी चरण चिन्ह भी छोड़ गए। यहां से गुजरते समय यहां के पत्थरों ने उनके पांवों का स्पर्श करके
उनके पांवों को अपने हृदय में सहेज लिया और सदा सदा के लिए हमारे लिए दर्शनीय स्थल बना दिया। आज भगवान श्री राम तो नहीं है, उनकी स्मृतियां हैं, उनकी छवि है हमारी नजरों में, हमारी आंखों में, हमारी पलकों पर। लेकिन जब इस तरह की चट्टानों पर उनके चरण चिन्ह बनते हैं, मिलते हैं, तो स्वयमेव आस्था के सिर वहां झुक जाते हैं। आस्था उन्हें प्रणाम करती है और ये महसूस करती है कि प्रभु श्री राम हमारे सिर पर है, उनकी चरण धूल ही हमारे सिर पर है और वो सदा सदा आशीष की मुद्रा में हमारे बीच हैं। इन सारे संतों के साथ आज कोठी ने इस पवित्र स्थल को दिखाकर हम सबको धन्य किया, हम सबको पवित्र किया। पंगत के समय पर पंगत पाई और संध्या आरती में शामिल हुए। आज होली थी इसलिए परिक्रमावासी होली गाते रहे और एक दूसरे को गुलाल लगाते रहे। शाम को एक ग्रामीण के घर में कुछ परिक्रमावासी रुके, वहीं पर होली का गायन हुआ। सभी ने झूम कर गाया, रंग गुलाल उड़ाया। गाने वालों में ब्रजवासियों की संख्या अधिक थी इसलिए ब्रज की होली का रंग सबसे गाढ़ा था। परिक्रमा प्रारंभ हुई, किंतु पिछले 2-3 दिनों से परिक्रमा कुछ बोझिल सी हो चली है। वैसा उछाह नजर नहीं आता जैसा पहले चरण में था। केवल सड़क पर चलते हैं, भोजन पाते हैं और विश्राम करते हैं। ऐसा लगता है जैसे सेवा लेना ही परिक्रमा का पर्याय है। न तो प्रकृति का साथ है, न परिक्रमा वासियों की दिनचर्या में विविधता। हर चेहरे पर थकान दिखाई देती है। ज्यादातर लोग जुकाम से पीड़ित हैं। उत्साह और उमंग की जगह थोड़ी शिथिलता ने ले ली है। ऐसे में परिक्रमा में रुचि बनाए रखना कठिन होता है। लेकिन साधना की तरह यात्राएं भी कई बार रूखी हो जाती हैं। उस रूखे रास्ते को रस और भक्ति से भरना ही भक्तों का काम होता है। इसलिए मन ने भीतर से फिर आवाज दी, हारिए न हिम्मत और बिसारिए न राम। परिक्रमा की अगवानी में खड़ी महिलाओं ने मंगल गीत गाए तो सहसा भीतर से भक्ति रस का सोता फूट पड़ा। नीरस होती परिक्रमा सरस बढ़ायो रे हरी।
होली का रंग आज भी राह में कल की ही तरह था। विंध्य और बुंदेलखंड के इस हिस्से में होली बुढ़वा मंगल तक खेली जाती है। बुढ़वा मंगल अर्थात होली के बाद आने वाला मंगलवार। 14 किलोमीटर चलकर 10 बजे के आसपास रक्सेलवा आ गए। हनुमान मंदिर में पड़ाव था। यहां हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है। छोटा गांव है और आसपास हरिजन आदिवासियों की बस्ती है। इस स्थान की विशेषताओं में दो प्राकृतिक कुंड हैं। मंदिर के ठीक पीछे अमृत कुंड है, जिसे कुएं की शक्ल में बांध दिया गया है। कहते हैं कि इस कुंड का जल कभी नहीं सूखता, लेकिन इस वर्ष सूख गया है। परिक्रमावासियों को समस्या न हो, इसलिए दूर स्थित एक बोर से इसमें जल भरा जा रहा था। यहां से लगभग 1 किलोमीटर दूर सूर्य कुंड है। ये अभी भी पूरी तरह से प्राकृतिक है। इस कुंड में प्राकृतिक जल है। गांव में पेयजल के अन्य स्रोत नहीं हैं, इसलिए गांव वाले यहीं से पीने का पानी लाते हैं। समीप स्थित आश्रम में भी इसी कुंड से जल की आपूर्ति होती है। कुंड के पास एक शिव मंदिर है। हरा हरा शनि भगवान का मंदिर निर्माणाधीन है। यहां भी लोक की आंखें शिलाओं पर भगवान श्री राम के चरण चिन्ह देखती हैं। आज की पंगत में आसपास के 4-5 गांव के लोग थे। ट्रैक्टर में भर भर कर आए थे। उनके लिए संतों का दर्शन और पंगत पाना वर्ष भर में होने वाले किसी उत्सव और त्योहार की तरह था। दो पंगत के बाद भोजन कम पड़ गया। संतों को चावल प्रसाद दोबारा सिद्ध करना पड़ा। रात एक बार फिर यज्ञशाला में सोए। मोरे रामा रोहनी ना खाती जादू, लागे तो आपुई हारी, जलने तो आपुई हारी, जलने तो। रामा रोहनी ना खाती जादू, लागे तो आपुई हारी, जलने तो आपुई हारी, जलने रामा कटिगाई हाथे हाथा करिया पामन केरी देरी पामन केरी देरी। रक्सेलवा से सिंहपुर के लिए निकले तो पूरे रास्ते पलाश स्वागत करते रहे। सिंहपुर में जिस आश्रम में रुके उसे पटपरनाथ के रूप में जाना जाता है। गांव के लोग कहते हैं कि यहां के शिवलिंग स्वयंभू हैं। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब्य लंबितां भुजंग तुंग मालिमा। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब्य लंबितां भुजंग तुंग मालिमा। नीचे से उद्गम हुआ तब फिर भगवान महाराज जी रहे हैं धर्मनाथ जी महाराज, वो उनको बताया, उन्होंने बताया कि आप जो है यहाँ मंदिर का निर्माण करिए, तो फिर उन्होंने मंदिर निर्माण किया।
पहले यही भर मंदिर था, फिर इसके बाद आगे भगवान राम जानकी का मंदिर का निर्माण हुआ, फिर यहीं वो रहते रहे। ये पटपर से पैदा हुए हैं। अच्छा। इसलिए पटपरनाथ भी बोलने लगे। हाँ। पर स्वयं पैदा है, माने मूर्ति बैठाई हुई नहीं है। हाँ। अच्छा, कहते हैं कि इनकी आकार भी बढ़ रहा है। हाँ, बढ़ रहा है। अच्छा, पहले और छोटे थे? बहुत छोटे थे पहले तो, अब तो अभी 5-6 अंगुल बढ़ गए हैं। अच्छा। इसी परिसर में राम जानकी, गणेश जी, माँ पार्वती का भी मंदिर है। बड़ा सा तालाब है और छोटे छोटे झरने हैं जिनसे थोड़ा थोड़ा ही सही पानी बहता रहता है। 2 कुंड हैं जिनमें पर्याप्त जल रहता है। चित्रकूट 84 कोस परिक्रमा का आज 18वां दिवस है। हम सिंहपुर में हैं, सतना जिले का एक छोटा सा गांव, कस्बानुमा गांव। सिंहपुर की सबसे बड़ी विशेषता यहां का पटपरनाथ क्षेत्र है। पटपरनाथ अर्थात भगवान भोलेनाथ, स्वयंभू शिवलिंग। यहां राम जानकी हैं, हनुमान जी महाराज हैं, मां भवानी हैं और सबसे बढ़कर ये तालाब है, विस्तृत जलराशि वाला तालाब, जिस तालाब में कमल के पुष्प भी खिलते हैं और तमाम तरह तरह के पक्षी आते हैं और इसे अपनी चहचहाट से, अपने कलरव से गुंजायमान करते हैं। इस तमाम क्षेत्र में लगभग 400 फीट तक खोदने के बाद भी जल उपलब्ध नहीं होता, पानी नहीं मिलता। ऐसे में इस क्षेत्र में झरने हैं, कुंड हैं और धरातल पर बहता हुआ पानी है। ऐसे निपट सूखे इलाके में जब धरातल पर जल बहता है तो प्रकृति का चमत्कार आंखों के सामने दिखाई देता है। एक कुंड ऐसा भी है जिसका जल कभी नहीं सूखता, तमाम अकालों के बाद भी उसमें जल रहता है। ऐसे रमणीय क्षेत्र में, ऐसे रमणीय स्थल में परिक्रमावासी रुककर परमानंद की प्राप्ति करते हैं। जल हो, छाया हो, भगवान शिव का विग्रह हो और सबसे बड़ी बात कि रुकने के लिए, पड़ाव के लिए पर्याप्त स्थल हो। पटपरनाथ से आगे बढ़े तो इस क्षेत्र की गरीबी और गरीबों की अमीर दिली देखने को मिली। पनागर में बाल भोग मिला और फिर पत्थर दिल धरती की यात्रा शुरू हुई। ये पूरा क्षेत्र पथरीली जमीन वाला है, दूर दूर तक केवल और केवल पत्थरों के ढेर पड़े हैं। नहर खुदाई का काम चल रहा है, इसमें पानी आने के बाद निश्चित ही इस पथरीली घाटी पर हरियाली मुस्कुराएगी। भविष्य की ऐसी ही सुखद सुंदर तस्वीर देखते देखते दिखने लगा नुनगरा का शिव मंदिर। समीप पहुंचे तो लगा कि ये बंजर धरती पर खिला हुआ आस्था का फूल है। सामने छोटे से कुंड में निर्मल जल, संतों ने उससे अपना घड़ा भरा और भोलेनाथ को जल समर्पित किया। प्रसाद लेकर आगे बढ़े तो वही लाल मिट्टी और क्षितिज तक फैला हुआ उसका विस्तार। बीच में जब इस पथरीले पठार पर दौड़ता हुआ झरना मिला तो ऐसा लगा कि प्रकृति के कोमल हाथ हमारी ओर बढ़ रहे हैं। कई बार लगा कि ये रोते हुए पत्थरों के आंसू हैं जो उनके गाल पर लुढ़क रहे हैं। लाल माटी की घाटी पर अचानक गेहूं की लहलहाती फसल मिली तो अंतर मन खिल उठा। दुख के बाद सुख के दिन इसी तरह आते हैं। इसके बाद एक कृशकाय नदी का साथ मिल गया। नदी भले रुगण थी लेकिन आसपास की हरियाली को प्राणदान दे रही थी। इसी हरियाली के बीच 2 मंदिरों का शिखर दिखाई देने लगा।
मंदिर की तरफ से आ रहे दो युवाओं ने बताया कि ये कुतेतरनाथ धाम है। जैसे दोनों मंदिरों के शिखर नीले आसमान की स्लेट पर भोलेनाथ की आराधना में पंचाक्षर मंत्र लिख रहे थे। इस घाट पर माँ पार्वती का मंदिर है, उनके दर्शन किए और माई बाबा का गठबंधन निहारते हुए भोलेनाथ के मंदिर पहुंच गए। जैसे आशुतोष परिक्रमा वासियों की प्रतीक्षा में ही थे, विशाल शिला के नीचे विराजे हुए। ये स्थान है कुतेतरनाथ, जिसे कुटेश्वरनाथ के नाम से भी जानते हैं। यहां पर भगवान भोलेनाथ का बहुत अद्भुत विग्रह है। गांव के लोग कहते हैं कि ये स्वयंभू विग्रह है, अपने आप यहां से प्रकट हुए हैं। सबसे बड़ी विशेषता इस मंदिर की, इस विग्रह की ये है कि यहां जो नाग देवता हैं वो स्वयं पत्थर के बने हुए हैं। एक पहाड़ी है जो वस्तुतः पहले कभी भगवान भोलेनाथ का स्थान हुआ करती थी, अब उसे इस तरह से देखा जा सकता है जैसे स्वयं नाग देवता भोलेनाथ के विग्रह के ऊपर अपना फन फैलाए बैठे हों। शिवलिंग के दिव्य दर्शन के बाद पंचवृक्ष में प्रकट हुए वीर बजरंगबली के दर्शन हुए। किसी वृक्ष में इतने स्पष्ट हनुमान जी पहली बार देखने को मिले। जिसने भी पहली बार इस वृक्ष में उन्हें रेखांकित किया होगा और फिर उसके ऊपर सिंदूर लेपा होगा, उसकी दृष्टि को भी प्रणाम। यहां एक गुफा भी है जिसमें कभी एक संत रहा करते थे। यहीं पत्थरों पर खिलखिलाता वटवृक्ष कह रहा था कि यहां का लोक जीवन मेरी ही तरह असंभव को संभव करता है। भोलेनाथ का प्रसाद पाया, बाबा जी से सीताराम कहा, अखंड धुनी को प्रणाम किया और ग्रामीणों से सत्संग कर आगे की यात्रा प्रारंभ की। कुतेतरनाथ प्रांगण से बाहर आए तो हनुमान जी ने विदाई दी, कहा तुम लोग हंसी खुशी आगे बढ़ो। पत्थरों की इस बस्ती में पूनम सिर पर कलश लिए खड़ी थी, इस उम्मीद में कि खुशहाली का कोई दीप शायद उसके गांव में भी जले। संतों से इसी आशीर्वाद की प्रतीक्षा में वो चिलकती धूप में जाने कब से खड़ी थी। पांवों के साथ संतों से सत्संग भी आगे बढ़ता रहा। इस परिक्रमा को लगाने से ये आत्मिक सुख शांति प्राप्त होता है, और यदि परिक्रमा करने के बावजूद आत्म सुख न मिला तो परिक्रमा का कोई प्रयोजन ही नहीं रह जाता है। यदि नियमित हमने परिक्रमा किया है तो निश्चय ही आत्म सुख प्राप्त होगा, और नियमित परिक्रमा अगर नहीं किया गया है तो आत्मबोध नहीं हो सकता है बिल्कुल। हाँ, हम तो स्वर्ग में हैं। हाँ, इससे बढ़ के स्वर्ग कहाँ है। हाँ, ये तो स्वर्ग है पूरा। देखो ठाकुर जी की लीला देखो, पग पग पर हमें क्या करते हैं, खिलौना जैसे खिला रहे हैं, ऐसा हमारा ठाकुर है। दूरस्थ गांवों के निपट एकांत में सरकारी योजनाएं किस तरह भ्रष्टाचार का शिकार होती हैं, उसकी कहानी इस तरह की गौशालाएं कहती हैं। न गाय हैं और न गायों का दाना पानी, केवल उनके नाम का बोर्ड है और बाढ़। कन्हैया का इससे बड़ा अपमान और क्या होगा। गोपाल ऐसे गोपालकों को सद्बुद्धि दें। सड़क किनारे पलाश के पेड़ थे और सड़क का रंग उनके फूलों की तरह लाल। सबको पार करते हुए आ गए शिवराजपुर के दहलान धाम। इस वीराने में बस रहा एक अलबेला अनूठा धर्म क्षेत्र। इसे देखकर लगता है जैसे किसी विश्वकर्मा ने इस स्थान को अपने हाथों से गढ़ा हो। प्रवेश करते ही निर्माणाधीन मंदिर परिसर का प्रवेश द्वार दिखा, देखते ही नजरें ठहर गईं। फिर आए दहलान धाम, एक से एक सुंदर मंदिर, यज्ञशाला और परिसर, सभी कुछ देखकर मन मुग्ध हो जाता है। यहां भगवान भोलेनाथ, श्री राम जानकी, श्री राधा कृष्ण और पंचमुखी हनुमान जी के मनोहारी विग्रह हैं।
इस परिसर के विपरीत दिशा में एक नया धाम तैयार हो रहा है। यज्ञशाला बन गई है, सत्संग सभागार भी लगभग तैयार है और अन्य निर्माण कार्य तेजी से चल रहे हैं। इसे मुंबई में रह रहे गांव के ही एक उद्योगपति बनवा रहे हैं। सड़क किनारे स्थित दोनों धामों को देखकर विश्राम करने के लिए आए तो फगुहारों की टोली भी आ गई। अरे करो रे कला को देख, तो पूरा परिसर बिजली की रोशनी से जगमगा उठा। परिक्रमावासी विश्राम में सीताराम जपने लगे, उनका अजपा जप चलता रहा। इस वीडियो में यहीं तक, अगले वीडियो में सारंगधर आश्रम में अध्यात्म, प्रकृति और पहाड़ का अद्भुत दृश्य देखेंगे, साथ ही बृहस्पति कुंड में कुदरत के चमत्कार का हिस्सा बनेंगे, सूर्य कुंड और पाताल कुंड में जल का सम्मोहन देखेंगे। अगर आपकी रुचि इतिहास और पुरातत्व में है तो अगला वीडियो आपके लिए सबसे खास होने वाला है, क्योंकि हम चढ़ेंगे कालिंजर का किला और साक्षात्कार करेंगे इस देश के पौरुष और पराक्रम से। अगर आप भी प्रभु श्री राम के वनवास धाम को जानना और समझना चाहते हैं तो चित्रकूट की इस 84 कोसीय परिक्रमा में एक बार अवश्य आइएगा। कब आना है और कैसे आना है ये तो इस अकिंचन ने इस वीडियो श्रृंखला के पहले भाग में ही बता दिया है। उम्मीद है दूसरा भाग भी आपने देख ही लिया होगा, नहीं देख पाए हों तो देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप पूरी परिक्रमा नहीं करना चाहते और केवल उन स्थानों का दर्शन करना चाहते हैं जिनका जिक्र इस वीडियो में हुआ है तो कुछ प्रमुख स्थलों के बारे में जान लीजिए। चित्रकूट से सरभंग आश्रम लगभग 45 किलोमीटर है, अस्थि समूह पर्वत और सुतीक्ष्ण आश्रम की दूरी भी 50 किलोमीटर के आसपास ही है। मध्य प्रदेश के सतना से भी इन स्थानों की दूरी लगभग लगभग इतनी ही है, मानिकपुर और बांदा रेलवे स्टेशन से थोड़ा समीप है। इन सभी स्थानों पर जाने के लिए अपना वाहन होना ही सुविधाजनक होगा। चित्रकूट आने के लिए चित्रकूट धाम करबी रेलवे स्टेशन है ही, अंतरराज्यीय बस अड्डा भी है। फिलहाल इतना ही, यायावर ओम द्विवेदी को अनुमति दें। चलते चलते वही एक निवेदन, अगर आपने अभी तक ओम दर्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। अगर आप चाहते हैं कि हमारा ये सनातन धन जन जन तक पहुंचे तो परिचितों और मित्रों के साथ साझा करें। हमने अपने हिस्से का काम किया, आपका काम आपको करना है। हमारी भक्ति को अपनी शक्ति दें। जय हो चित्रकूट धाम की, जय हो कामतानाथ स्वामी की, मंदाकिनी मैया की जय, नर्मदे हर।